नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं फ्लैक्स सीड यानी अलसी को लेकर। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये क्यों उपयोग किए जाते हैं और इसका संबंध मेलाज्मा से कितना है। जी हाँ, मेलाज्मा से यानी झाइयों से इसका डायरेक्ट संबंध है और शरीर की न्यूट्रिशनल डिमांड को ये पूरा करता है। ओमेगा 3-6 इसमें होता है जो कि फैटी एसिड्स होते हैं। ये वो अच्छे फैटी एसिड्स हैं जो आपके शरीर से खराब फैट को हटाने वाले हैं और आपकी स्किन में ग्लो आएगा। 2 चम्मच इसकी डोज क्या है मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है लेकिन वीडियो बड़े काम का है। और इसको कैसे लेना ये बता रहा हूँ, किसके साथ मिक्स कर सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। फ्लैक्स सीड यानी अलसी जिसे यूपी बिहार साइड में झारखंड साइड में तीसी भी कहा जाता है, फ्लैक्स सीड यानी अलसी का उपयोग आपको रोज करना है। आप 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार इसका उपयोग करेंगे। खाली पेट में भी यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो खाली पेट यूज़ करें। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को और या हो सके तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच दोपहर 2 चम्मच शाम को ऐसे इसको यूज़ करें। यदि झाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 बार इसको ज़रूर लें और साथ में चिया सीड्स जो आते हैं उसके साथ में आप इसको मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच चिया सीड उसमें मिक्स कर दीजिए 2 चम्मच अलसी के साथ और फिर ले लीजिए, या फिर आप उसे अलग से लीजिए। 2 चम्मच अलसी 1 चम्मच चिया सीड आप अलग से ले सकते हैं, चिया सीड आप नॉर्मली पानी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, अब एक इसमें सवाल आता है कि क्या इसको अलसी को फ्राई करके खाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिए, क्योंकि यदि आप फ्राई करते हैं, हल्का सा भी फ्राई करते हैं, आप डीप फ्राई ना करें तो अच्छी बात है, हल्का भी आपने उसमें फ्राई किया या सेंक लगाया तो जो उसका ऑयली कंटेंट है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ऑयली कंटेंट को हटने ना दें और कोशिश करें कि आप इसे कच्चा ही खाएं बिना भुना हुआ। अब यदि जिसके दांत नहीं है तो वो इसे कैसे खाएगा, सवाल अच्छा है, सवाल भी आते हैं तो सवाल का जवाब भी देना जरूरी है। तो वो जो जिनके दांत नहीं है आप इसे पीस लें और पीस के इसका चूर्ण बना लें और फिर आप इसे ले लीजिए। थोड़ा सा आप उसमें गुड़ के साथ ले सकते हैं या आप उसे शक्कर के साथ ले सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें और यदि आप टॉलरेट कर पाते हैं तो नॉर्मली वैसे ही खाएं। लेकिन झाइयों के लिए ये रामबाण इलाज है। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है लेकिन स्किन के लिए, स्पेशली झाइयों के लिए, स्किन के डिस्कलरेशन के लिए, फ्रैकल्स के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन स्पॉट्स या कहीं भी स्किन में कोई भी चेंजेस आपको दिख रहा है कलर के लेवल को लेकर, मेलानोसाइट्स का मेलानिन पिगमेंट को लेकर, तो क्योंकि कलर बनाने का काम है मेलानिन पिगमेंट का, तो वो इसे मैनेज कर देता है और इसके बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हैं पूरे। मतलब मैं कोशिश करता हूँ हर पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करूँ और ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है स्पेशली। बोन्स में भी, हड्डियों की कमजोरी के लिए भी जब तकलीफ होती है, हम आर्थराइटिस के केस में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे नॉनवेज यदि कोई खाता है तो उसे कॉड लीवर ऑयल जैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिश ऑयल प्रिस्क्राइब किया जाता है, वैसे ही जो वेजिटेरियंस होते हैं वो स्पेशली उनके लिए डायरेक्ट ओमेगा 3-6 का जो सोर्स है वो फ्लैक्स सीड है। लाइनम यूसेटेटिसिमम प्लांट का नाम है, आप इसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं, हमारे गाँव में बहुतायत में उगता है, नीले कलर के फूल होते हैं इसके, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ी अच्छी खुशबू भी इसकी होती है। तो ये अलसी बहुत ज़्यादा उपयोग होती थी और अलसी को के लिए कहावत है कि ये इतनी चिकनी होती है कि यदि आप जहाँ पर ये कट के जाती है, यदि वहाँ पे कोई छोटा मोटा जानवर घुस जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाता, इतना स्लिपरी होता है जहाँ पर ये कटने के बाद फील्ड पे रखा होता है उस जगह पे। तो अलसी बहुत स्लिपरी नेचर का होता है इसलिए ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए को डिजॉल्व करने काम आता है,
आपके हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया जो है, कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ी हुई है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हैं, वो भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो एंटी कोलेस्ट्रॉल डाइट के रूप में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके कैप्सूल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको आजकल यूज़ किया जा रहा है। और अलसी के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ, यदि आपको झाइयाँ हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने ज़्यादा हो गया है, डीपिगमेंटेशन स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट है, हाइपर पिगमेंटेशन रीजन कहीं हो रहा है, या स्किन में बर्निंग आ रही है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में शामिल करना है, लेकिन रॉ कच्चा कच्ची अलसी 2-2 चम्मच दिन में 3 बार की मात्रा में, या तो कुछ लोग लड्डू बना लेते हैं, मैं बोलता हूँ मत कीजिए, सीधे सीधे कच्ची अलसी को लेना चालू कर दिए 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। और स्लिपरी होता है, चिपचिपापन इसमें आएगा, तो आपका डाइजेशन सबसे पहले करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषक आहारों की जो कमी थी उसमें एक पोषक आहार ठीक हो जाएगा। बाकी और कौन कौन से पोषक आहार होते हैं, तो विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दही आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट में से एक है, और आयरन, यदि आप शुगर नहीं है तो गुड़, यदि आपको शुगर नहीं है तो गुड़ से आपको आयरन भी मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए यूज़ करना चाहिए, और अच्छे से वर्कआउट करिए, एक घंटा, आधे से एक घंटा, कम से कम एक घंटा रोज़ चलिए, पैदल चलिए, फिर आप देखिए आपके चेहरे में नेचुरल निखार कैसे नहीं आता। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, जरूर भेजिए अपने लोगों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर यदि करना चाहें तो कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।